सो ऑन टू द मेंटल पार्ट ऑफ द बिजनेस. नाउ सबसे पहले आपने ये सोचना है, जानना है, समझना है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट, यानी भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो असीम हैं. अब तक जो हुआ सो हुआ, वट एवर हैपन्ड इन योर लाइफ, फॉरगेट, उस पर फोकस नहीं करना. आपने एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो असीम हैं, वो इनफाइनाइट हैं. एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर. यहाँ पे मैं कुछ लोगों के आपको उदाहरण दूंगा. सबसे पहले मैंने इस श्रेणी में रखा है महात्मा गांधी जी को. टिल द एज ऑफ 45 ही वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, लॉयर बने, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, और वो एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे. उस समय अंग्रेज़ों का राज होता था. उस समय कोई भी नॉन वाइट व्यक्ति को अलाउड नहीं था फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना. तो एक दिन वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो टिकट चेकर आया, उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट हेयर. उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है. उन्होंने कहा टिकट है या नहीं है कोई मैटर ही नहीं करता, यू आर नॉन वाइट, आप वाइट नहीं हैं, अंग्रेज़ नहीं हैं, तो आपको अलाउड नहीं है यहाँ बैठना. जब वो नहीं माने तो उन्होंने ट्रेन रुकवाई और उनको बाहर फेंक दिया, उनका सामान समेत फेंक दिया गया. इस बात से वो इतने ज़्यादा हताहत हुए, डिस्टर्ब हुए, कि उन्होंने उस दिन कसम खाई कि आज तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, बहुत जल्दी मैं तुम्हें मेरे देश से बाहर फेंकूंगा. वो वापस इंडिया आए, अपने देश आए, उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया जिस फिलॉसफी वो बिलीव करते थे, अहिंसा की फिलॉसफी पे, नॉन वायलेंस पे या नॉन कोऑपरेशन पे, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और देश की आज़ादी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया. और इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, फादर ऑफ द नेशन भी बन गए. आज उनको गुजरे हुए आप देखो कितने ज़माने हो गए, लेकिन आज भी वो हम सब की जेबों में विराजमान है. और जिसकी जेब में वो जितने ज़्यादा हैं वो उतना खुश है, और जिसकी जेब में वो जितने कम हैं उसको उतनी टेंशन है. अंडरस्टैंड? मैं आप सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक साधारण जीवन जिया था, उनके जीवन की दिशा बदली 45 साल की उम्र के बाद. इसी तरीके से इस श्रेणी में मैंने अगला उदाहरण रखा है ग्रेट मदर टेरेसा का. मदर टेरेसा एक साधारण स्कूल टीचर थी अपनी मिड 30s तक, 36-37 साल की एज तक वो एक नॉर्मल स्कूल टीचर थी, और उनके जैसी बहुत सारी स्कूल टीचर्स थी, यानी कि बिल्कुल वो एक ऑर्डिनरी लाइफ लीड कर रही थी. उसके बाद उनके अंदर प्रभु के प्रति इतना प्रेम जगा कि उन्होंने मानव सेवा को ही अपना जीवन बना लिया. सब कुछ उन्होंने टीचिंग छोड़ी और वो नन बन गई, मिशनरी से अटैच हो गई, और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया दूसरे लोगों की सेवा करने में. और इस निष्भाव से उन्होंने सेवा करी. एक बार एक अमेरिकन राइटर थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए, और जब वो उनके पास पहुंचे तो वो जो कोड़ी लोग थे उनके वो घाव साफ कर रही थी, उनके यहाँ से या पस निकल रही थी, गंदगी निकल रही थी, एंड वो ऐसे प्यार से इतने प्रेम से उनको साफ कर रही थी. ये देख के वो रिपोर्टर दूर खड़ा हो गया, दरवाजे पे रह गया, अंदर भी नहीं गया उनके पास. जैसे ही वो अपना काम करके, उसकी सफाई करके, ड्रेसिंग करके आई, तो उस रिपोर्टर ने बोला, व्हाट यू आर डूइंग आई विल नॉट इवन डू फॉर मिलियन ऑफ डॉलर्स. मदर ने बोला, सो डू आई, यानी मैं भी ऐसे ही हूँ, यानी मैं ये काम किसी रुपए के लिए नहीं करती, मैं सिर्फ ईश्वर की सेवा करती हूँ, मुझे हर इंसान में ईश्वर दिखता है, इसलिए मैं उनकी सेवा करती हूँ. और आप देखिए उनको भी गुजरे हुए इतना समय हो गया, लेकिन आज और जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनका नाम मदर के तौर पर ही आदर से, सत्कार से लिया जाएगा, चाहे व्यक्ति किसी भी मजहब का क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति का सर झुकता है ऐसी महान आत्मा के सामने. लेकिन मिड 30s तक वो उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, उसके बाद उनके जीवन की दिशा बदली. सेम वे प्रॉफिट मोहम्मद, 40 साल की आयु तक उन्होंने भी एक नॉर्मल जीवन जिया था. नॉर्मली वो पढ़े लिखे थे नहीं, गाय भैंस नॉर्मल चलाया करते थे, बहुत साधारण जीवन जिया. लेकिन 40 वर्ष की आयु में उनको एनलाइटमेंट हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने इस्लाम की स्थापना करी. लेकिन 40 से पहले अगर आप उनका जीवन देखें तो एक साधारण जीवन था, उसके बाद उसमें चेंज आया. सेम वे अब्राहम लिंकन, 52 साल तक की आयु तक वो सिर्फ उन्होंने जो भी काम किया उनको नाकामयाबी हाथ लगी. नौकरी कर के लिए गए, नौकरी नहीं मिली. बिजनेसेस किए, बिजनेस में लॉस हुए. 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, 2 बार सीरियस ब्रेकअप हुआ, आत्महत्या करने की भी कोशिश करी इन्होंने.
आठ बार इलेक्शन हारे, यानी पूरा जीवन इन्होंने 51-52 साल की उम्र तक केवल और केवल नाकामयाबी देखी, लेकिन 52 वर्ष की उम्र में वो बने अमेरिका के राष्ट्रपति यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट, और इस दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बने। इसी तरीके से कर्नल सॉन्डर्स एक व्यक्ति थे हुए जिन्होंने 63-64 साल की उम्र तक सिर्फ नाकामयाबी ही देखी। फौज में रहे वो छोड़ करके आ गए क्योंकि अपना बिजनेस करना चाहते थे। बहुत से बिजनेस करने की कोशिश करी लेकिन इनका कोई भी बिजनेस सफल नहीं हुआ, और यहाँ तक कि इन्हें कहा जाने लगा कि ये व्यक्ति बहुत ही मनहूस है, अगर सोना भी इसके हाथ में दे दो तो वो पीतल हो जाएगा, ऐसा इनके बारे में कहा जाने लगा कि ये आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता और ये आदमी मनहूस है, इसकी जो शक्ल देख ले उसका दिन पूरा दिन खराब है, उसका कभी कोई काम नहीं होगा। 64 साल की उम्र में अमेरिका में केंटकी नाम की एक जगह पे इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोला। वो रेस्टोरेंट इनका इतना सफल हुआ, फिर इन्होंने एक और ब्रांच खोली, वो भी बहुत सफल हुई, फिर और ब्रांच खोली, और धीरे धीरे ये बहुत सफल व्यवसायी बन गए। आज इनको ये दुनिया छोड़े कई साल हो गए लेकिन आज 118 देशों में इनकी फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है, आपके यहां भी है KFC के नाम से, अंडरस्टैंड। बट 64 साल की उम्र तक इन्होंने एक बहुत ही साधारण और नाकामयाब जीवन जिया, उसके बाद इनके जीवन की दिशा बदली। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आपके जीवन में भी कभी भी ब्रेक थ्रू आ सकता है। भविष्य की संभावनाएं जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हैं, अंडरस्टैंड। ऐसा कोई नियम नहीं कि जो अब तक नहीं हुआ आगे नहीं होगा। आप कभी भी अपने जीवन की दिशा को चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी सफलता आपका इंतजार कर रही है यदि आप उन प्रिंसिपल्स पर चले जो अब तक हमने सीखे और जो शाम तक हम सीखेंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ इट इज़ नेवर टू लेट टू अवेकन इन लाइफ। कभी भी देर नहीं होती हमें जागने के लिए, खड़े होने के लिए और सही दिशा पकड़ने के लिए। पास्ट इज गॉन, वो डेड हो चुका। जैसे कल का जो दिन था वो बीत चुका, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मृति यानी हमारी मेमोरी में जिंदा है, एक्चुअल में वो खत्म हो चुका है, अंडरस्टैंड। पास्ट इज गॉन, इट इज डेड। सो इस विचार के साथ कि माय एंटायर फ्यूचर बिगिंस टुडे, मुझे आज सही काम करने हैं, मुझे आज सही क्रियाएं करनी है, मुझे आज सही सोच रखनी है, मुझे आज लॉर्ड के साथ कनेक्ट रहना है, मुझे आज लॉर्ड का नाम लेना है। अगर हर दिन आप ये सोचें माय एंटायर फ्यूचर बिगिंस टुडे और आप आज को अच्छे से जिए तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। सो यू शुड हैव दिस थिंकिंग, आपकी ये विचार होना चाहिए कि मेरा सारा भविष्य का निर्माण आज के ऊपर है। सो मुझे आज सही करना है, आज हर वो कार्य करने हैं जो जरूरी है, आज मुझे लॉर्ड से कनेक्ट रहना है। सो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सफलता आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, जो भी चीज़ हमने सीखी जीवन में, हर चीज़ के लिए हमें ट्रेन किया गया। आज वो काम इतने साधारण हैं कि उनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। अब मैं अगर सिंपल सी आपसे बात पूछूं, खाना खाना मुश्किल है या आसान है, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत आसान है आपके लिए। लेकिन ये सवाल आप एक छोटे से बच्चे से पूछना, शायद जिसकी आयु 2.5 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, तो वो कहेगा बहुत मुश्किल काम है ना। उसको खुद वो खा नहीं सकता, कोई ना कोई मदर या फादर या कोई अन्य बड़ा खिलाता है। 6-7 साल लग जाते हैं खाना खाना सीखने के लिए। बच्चों के लिए एप्रिन बांधा जाता ताकि वो गिरा ना दे, है ना। तो आप देखो, खाना खाने जैसे सीख साधारण से काम जो हमें लगता है, जिसके बारे में आज हम सोचते नहीं, हमारे जीवन के कम से कम 5-6 वर्ष लगते हैं इस काम को सीखने के लिए, अंडरस्टैंड। सेम वे ईटिंग के साथ साथ वॉकिंग, अगर मैं आप में से किसी को भी कहूं कि मेरे तक चलकर आ जाएं, चलना आसान है, तो आप कहेंगे हाँ जी बहुत आसान है। लेकिन ये सवाल आप पूछो जो 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 एक शिशु है जिसकी आयु 1 वर्ष है, उसके लिए आप देखो कितना कठिन है चलना। वो बेचारा चल नहीं सकता, पहले घुटने के बल चलने की कोशिश करता है, उसके बाद जब चलने की कोशिश करता है गिरता है, उंगली पकड़कर चलता है। तो 2-3 साल लग जाते हैं सिंपल चलना सीखने के लिए हमें। और आज हम सबके साथ ऐसे ही हुआ है, लेकिन आज क्योंकि हम उस काम को सीख गए तो कभी हम इस बारे में सोचते नहीं या हमें ये अति साधारण लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं इसके पीछे 2-3 वर्ष की रेगुलर ट्रेनिंग लगी है। तो आप देखो, छोटे छोटे काम को, चाहे वो बोलना हो, खाना बनाना हो, लिखना हो, अभी आप नोट्स बना रहे हैं। जब हम छोटे होते थे तो ABC, आपका तो मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी बड़ी दुश्मन नज़र आती थी। छोटी ABC के बाद में बड़ी ABC, फिर कर्सिव राइटिंग आ गई, अब मिला करके लिखना, आप देखो कितना भारी काम है। और ऐसा शायद कोई बच्चा नहीं होगा जिसने उल्टा B या उल्टा P ना बनाया हो,
क्योंकि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते थे, कितना कितना एक लाइन लिखने में भी घंटों लग जाते थे हमें। आज आप देखो, आज आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं मेरी बात सुनते हुए, आपके लिए बहुत साधारण है क्योंकि आपने वर्षों दिए हैं इस काम को सीखने के लिए। तो हर छोटी चीज़ जो आज हमें छोटी लगती है, इन सब चीज़ों के लिए हमें ट्रेन किया गया है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन ट्रेन फॉर सक्सेस। ह्यूमंस, मेरा गहन विश्वास है कि इंसान जो है वो बना जीतने के लिए है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन उसको तैयार कर दिया जाता है, कंडीशन कर दिया जाता है हारने के लिए। ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न टू विन, कंडीशन टू लूज। हाउ? कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले फियर। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई भी डर नहीं होता। डर कौन देते हैं? कहाँ से आता है एक बच्चे में डर? तो एक जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई डर नहीं होता, डराते हम ही हैं उसे। अगर वो नहीं सोता तो एक आम बात है जो हम सब ने सुनी होगी, पेरेंट्स कहते हैं कई बार, सो जा बेटा नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, कोई कहता है चौकीदार पकड़ के ले जाएगा, कोई कहता है ये हो जाएगा, है ना। तो वो बच्चे को डराना हम सिखाते हैं, उसके बाद वो बच्चा पूरे जीवन डरता है। आयरनी ये नहीं है, आयरनी ये है जब उसकी अगली जनरेशन शुरू होती है, ये वही यही काम उस जनरेशन के साथ शुरू कर देता है। सो दैट इज हाउ हमें कंडीशन किया गया डरने के लिए। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। अंडरस्टैंड? सेम वे नॉट ड्रीमिंग बिग। हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है, हम सभी लोग साधारण परिवार में जन्मे, हम में से किसी ने भी टाटा बिरला के यहाँ, अडानी के यहाँ जन्म नहीं लिया। तो हमें जब हम छोटे थे हमें सिखाया गया अगर कि बेटा ज़्यादा बड़ा मत सोचा करो। हम ऐसी कहावतों से पले हैं कि जितना चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, नहीं तो जीवन बड़ी तकलीफ हो जाती है। इन सब कहावतों के द्वारा और ऑर्डिनरी सोच के द्वारा हमें पाला गया है। सो इसी तरीके से हम सबकी परवरिश हुई है। ये सर नो जी, इसी बात को आगे लेके चलते हुए, हम सब लोगों को ट्रेन किया गया, हमारे दिमाग में घुसाया गया है हम एवरेज हैं, बेटा एवरेज ही रहेंगे, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो साधारण लोग हैं। ये पता नहीं ये डायलॉग हमने कितनी बार सुना जब 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 हम छोटे थे, और ये चीज़ें हमारे अंदर ऐसे गहन कर जाती हैं। इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग। इसी कंडीशनिंग से हमारा जीवन चला, और दुर्भाग्य की बात यह है इसी कंडीशनिंग से व्यक्ति अपने अगली जनरेशन को पालता है। सो अनफॉर्चुनेट, राइट? कंपेयरिंग, कितनी बार आपकी कंपेयरिंग करी गई दूसरे बच्चों से। अरे उसको देखो कितना सिंसियर है, देखो कितनी पढ़ाई करता है, अरे उसको देखो सुबह जल्दी उठता है, अरे भैया उसको क्या देखो, वो एक अलग इंडिविजुअल है भाई, उसको क्या देखना। कितनी बार हमें और लोगों के उदाहरण दिए गए। जब जब हमें और लोगों से कंपेयर किया जाता है तब तक एक इनाम हमें मिलता, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इस तरीके से हम सबकी परवरिश हुई है, जाने अनजाने ये काम हम सबके साथ हुए हैं। दैट इज़ द रीज़न आज लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, या बहुत कम लोगों में कॉन्फिडेंस पाया जाता है। इसके बाद रिएक्शन टू मिस्टेक हमेशा रही पनिशमेंट। अगर कोई भी गलती करी तो पनिश करना एक नॉर्मल साधारण बात थी। हम बने तो जीतने के लिए, उस भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, लेकिन हमें तैयार किया गया साधारण रहने के लिए या जीवन में सिर्फ हारने के लिए, राइट? दैट इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। बट पता क्या है, ऑल ऑफ दिस कैन बी चेंज्ड, लेकिन इसके लिए आपने एक अपने आप से प्रण करना है, आई विल कंडीशन माई सेल्फ फॉर सक्सेस। अब तक मुझे तैयार किया गया या कंडीशन किया गया हारने के लिए, लेकिन आज के बाद मैं अपने आप को तैयार करूंगा सफलता के लिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात का असर आपके ऊपर तब होता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। आपके पास हमेशा से पावर थी और है कि आप किसी भी बात को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। यू कैन एक्सेप्ट और यू कैन रिजेक्ट। बट ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, और पूरा जिंदगी वो इसी तरीके से निकाल देते हैं सफरिंग के साथ में। फैक्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको एक्सेप्ट ना करें। आपको ये सीखना है क्या एक्सेप्ट करना है या क्या रिजेक्ट करना है। अगर आपको कोई बोलता है आप बेवकूफ़ हो, तो आपको उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली स्माइल करके बोलना है रिजेक्टेड। क्या बोलना है? सिंपल। अगर वो कोई कहता है आपसे नहीं होगा, तो आपने उससे लड़ो मत, उससे आवेश में मत आओ, सिंपली मुस्कुराओ और बोलो रिजेक्टेड, थैंक यू। अंडरस्टैंड? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आप बहुत सक्सेसफुल होगे, तो उसको बोलो एक्सेप्टेड, थैंक यू। बस इतनी सी बात है, इसमें लड़ने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है। अंडरस्टैंड?
ओके, अब मैं कुछ आपको बातें बोलूंगा, आपको अपनी बुद्धि के अनुसार रिजेक्टेड बोलना है या एक्सेप्टेड बोलना है, लेकिन जो भी बोलना है स्माइल करके बोलना है, ठीक है? ओके, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, गुड। कुछ ही लोग हैं यार जो पहले आ गए वो कमा गए, अब कहां, अब तो बड़ा मुश्किल है, गुड। आप नहीं कर पाओगे, आप कहां लग्जरी कार ले पाओगे यार, ये हमारे लिए नहीं है। अरे हम तो साधारण है यार, साधारण ही रहेंगे। यस, कितना आसान है। अब कुछ चीजें बोलूंगा, अपने बुद्धि से जवाब देना, आप बहुत आगे जा सकते हैं। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू कैन बी एनीथिंग। आप बहुत सक्सेसफुल होगे, आप बहुत पैसे कमाएंगे। यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, यू आर इडियट। एक्सेप्टेड किसने बोला? या So, उसका आपने रिजेक्ट कर देना है। ओके, उससे लड़ना नहीं है, तुम नालायक हो। यस, ये नहीं बोलना तू मेरे से भी बड़ा नालायक है, ये नहीं बोलना आपने, लड़ना नहीं है। समझ आया? yes. तो इतनी सिंपल सी बात है बस। आपके ऊपर असर कब होगा? जब आप स्वीकार करोगे। अगर आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो असर होगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर, गुड। जो आपको आगे बढ़ाए जीवन में उसे स्वीकार करो, जो आगे ना बढ़ाए उसे स्वीकार करके आगे चलते बनो यार। That's all. Right, start taking control on your hand. किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? कहने दो यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, let them say. आप मत फंसो इन चक्रों में। So, यहां से शुरुआत होती है, आप अपने आप को कंडीशन करते हैं सक्सेस की। नाउ इसी श्रेणी को मैं आगे बढ़ाता हूं, अंडरस्टैंड। GIGO, ये कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड है। GIGO means garbage in, garbage out. अगर कूड़ा अंदर डालेंगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा, कुछ अच्छी चीज तो बाहर आएगी नहीं। जैसे अभी आप देखो, मैंने मेरे लैपटॉप में ना ये स्लाइड बनाकर प्रेजेंटेशन डाली हुई है, तभी तो बटन दबाने से बाहर आ रही है। अगर मैं नहीं डालता तो बटन दबाने से क्या बाहर आता? करेक्ट। तो अपने अंदर भी जो डालेंगे वही बाहर आएगा, इतनी सिंपल सी चीज समझो। तो अपने अंदर क्या जा रहा है, क्या डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपने आप को, अपने आप से एक वादा करना है, नाउ ओनली पॉजिटिव थिंग्स विल गो इनसाइड मी। ये आप सबकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करना कि आज के बाद केवल और केवल पॉजिटिव चीजें ही मेरे अंदर जाएंगी। सो इस तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, अपने माइंड को, क्या उसके अंदर जा रहा है। फिल्टर का काम क्या होता है? साफ करना, बिल्कुल सही। जैसे वाटर फिल्टर का काम क्या होता है? उसकी गंदगी को रोक देना, प्यूरिफाई करके पानी भेजना। सेम वे मेंटल फिल्टर का मतलब क्या है? आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज है उसको अंदर ना जाने देना, दैट इज कॉल्ड मेंटल फिल्टर। सो इसका उपयोग आपने करना है, रीड एंड सी पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, लोगों को नेगेटिव चीजों में ही बड़ा मजा आता है। और टीवी चैनल वाले वो तो उस्ताद है इन चीज़ों में, उन्हें पता है लोग, द पीपल ब्रीड्स ऑन नेगेटिविटी। तो वो क्या करते हैं, एक घर में 8-10 लोग पकड़ लेते हैं 2-3 महीने के लिए, उन्हें स्क्रिप्ट दे देते हैं, तुम्हें तुम्हें ये बकवास करनी है, तुम्हें ऐसे ऊंची आवाज में बोलना है, तुम्हें घटिया तरीके से पेश आना है, और उनके उनकी ज़िंदगी दिखाते हैं बाकी लोगों को। और लोग इतने फालतू हैं, उनकी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इतना इंटरेस्ट अगर अपनी ज़िंदगी में ले ले तो अपना जीवन बदल जाए। और उसके लिए मैसेज भी भेजते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, और अगर कभी आज नहीं देख पाए तो पूछते हैं आज क्या हुआ। वैसे अब तो नेट पर हर समय अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द काइंड ऑफ, अगर आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो यार। सो आपको पढ़ना चाहिए और देखनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स, राइट? अगर आपको एंटरटेन होना है तो आप इस तरह की कोई चीज देखें जिससे आप एंटरटेन भी हो एंड एट द सेम टाइम अच्छी चीजें आपके भेजे में जाए। That is बहुत important है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको वॉच करना। सो रीड एंड सी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव एसोसिएशन लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और एसोसिएशन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दो तरीके की एसोसिएशन हो गई है अब। रियल लाइफ एसोसिएशन यानी कि निजी जिंदगी में आप जिनके साथ रहते हैं, और वर्चुअल एसोसिएशन। वर्चुअल एसोसिएशन हम किसको बोलेंगे? वर्चुअल एसोसिएशन मीन्स अगर आप यूट्यूब में किसी को देखते हो गया वर्चुअल एसोसिएशन, अंडरस्टैंड? अगर आप यूट्यूब पे किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, किसी को ट्रेनिंग देख रहे हो, तो वो वर्चुअल संगत है कि आप उनके साथ हो। सो एसोसिएशन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मेरे फोन में 70 GB से भी ज्यादा मेरे गुरु के लेक्चर्स और मेडिटेशंस हैं, मैं हर समय उनको सुनता रहता हूँ, एवरी डे का मेरा रूटीन है। जब भी मैं सुबह उठता हूँ, नहा रहा होता हूँ, मैं कभी नॉर्मल नहीं नहाता, मैं हमेशा कोई ना कोई चैंटिंग या कोई ना कोई लाइक मेरे गुरु की चीज़ें चला के रखता हूँ जो मेरे अंदर जाती रहती है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो आँख बंद करके वही मैंने चैंटिंग चलाई हुई थी, मैं कॉन्स्टेंट उस लॉर्ड की चैंटिंग में था। सो एसोसिएशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके आसपास की संगत नेगेटिव है रियल वर्ल्ड में, और वर्चुअल वर्ल्ड में भी आप नेगेटिविटी पर ब्रीड करते हो, तो योर लाइफ की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होनी ही होनी है। सो आपकी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अ वेरी ऑन द पॉजिटिव साइड, इट शुड बी जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक हो। और अब तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में आप जब चाहें जिसकी भी संगत कर सकते हैं, एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज अवेलेबल। आप जब चाहें किसी को भी सुन सकते हैं, आप जब चाहें किसी को भी देख सकते हैं। अब तो इतनी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी, तो अब काफ़ी ईजी है इन कंपेरिजन टू अर्लियर टाइम्स, राइट। तो एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपको आगे बढ़ाने में। अगला सवाल है, हुम डू वी टॉक मोस्ट टू। हाँ जी, सही कहा आपने, हम सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो चैटर बॉक्स है कभी बंद नहीं होता, ये लगातार बंद चलता रहता है। सो हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं स्वयं से, इसलिए मैं कहता हूँ सेल्फ टॉक। एंड सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक वी हैव इन अवर लाइफ। सारा का सारा जो गेम है वो सेल्फ टॉक का है। आप सेल्फ टॉक समझते हैं क्या है? खुद से जो आप बात करते हैं, यस। आपके जीवन की क्वालिटी निर्भर करती है आपकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी के ऊपर। एवरेज लोग एवरेज क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो सेल्फ टॉक है वो एवरेज है। एवरेज लोग कैसे बात करते हैं अपने से, मैं बताता हूं आपको। वो बात करते हैं, मुश्किल है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कई बार लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, आते हैं, और वो बात होते ही मैंने कहा, जी बताइए क्या बात है। बोले सर जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। मैंने क्यों सर, CNT भी कर रहे हैं, सेमिनार में भी जा रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। अच्छा सर, जो आपने बताया वो भी फॉलो कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है जी, बढ़िया। फिर दो लाइन बोल के फिर जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा, फिर मुझे उनको टोकना पड़ता। मैंने कहा 5 मिनट हुए और आप 50 बार बोल चुके हैं जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। आप इसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव सेल्फ टॉक। साधारण आदमी साधारण क्यों है? आपका बिजनेस साधारण क्यों है? आपका बैंक बैलेंस साधारण क्यों है? क्योंकि आप एनालाइज करो आपकी सेल्फ टॉक क्या होती है। आपकी सेल्फ टॉक साधारण है, नहीं हो रहा, कैसे होगा, दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए, मेरे अपलाइन अच्छे नहीं हैं, मेरे डाउनलाइन अच्छे नहीं हैं, राइट, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। साधारण सेल्फ टॉक इज इक्वल टू साधारण जीवन। असाधारण सेल्फ टॉक इज इक्वल टू असाधारण जीवन। बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी बात होगी। एक दिन जो हमारे IT हेड है कन्वर जी, उन्होंने कहा, ग्रुप में हम लोग खड़े हुए थे, यार तमिलनाडु में हमारा बिजनेस नहीं है, जो भी वहाँ जाएगा पेनिट्रेट करेगा वहाँ, वो किंग बनेगा इस बिजनेस का। मेरे दिमाग में बात बैठ गई, मैंने कहा ये काम तो मुझे ही करना है, मुझे किंग बनना है। सेल्फ टॉक शुरू हो गई। मेरे पास प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, B, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सेल्फ टॉक नहीं आने दी। मैंने मेरी सेल्फ टॉक करी, मुझे किंग बनना, वहाँ घुसना। थोड़े देर बाद दिमाग ने बताया कि यार जब तो पिछली कंपनी में था तो एक लीडर था सर्वनन करके, उसकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, उसको ढूंढ। अब मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ फेसबुक पे या कहीं पे भी, लेकिन कहीं उसका कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा। 6 महीने बीत गए, लेकिन 6 महीने से सेल्फ टॉक क्या चल रही है, मुझे वहाँ घुसना है, मुझे किंग बनना है। 6 महीने बीत जाते, नथिंग हैपन्स। 7वें महीने सडनली मिस्टर बाली मुझे कहते हैं, यार वो सर्वनन का नंबर मिल गया, चल वहाँ चलते हैं। मैंने कहा जी सर चलो। हम वहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं। वो कहता है जी मैंने 6 महीने पहले अपनी खुद की कंपनी खोल ली, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हम 3 दिन चेन्नई में रहते हैं, उसको बताते हैं कि वो अपनी कंपनी हमारे साथ मर्ज कर ले, सेम का सेम नेटवर्क, वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन फाइनली कुछ रिजल्ट नहीं आता।
वो हमें कहता है जी इस समय अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी एक ही साल हुआ है मुझे अपनी कंपनी पे ध्यान देना है जी, अभी मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, सेल्फ टॉक, मुझे किंग बनना है, मुझे घुसना है, मुझे किंग बनना है, मुझे घुसना है, वो चल रही है, 7 महीने हो गए हैं। चलते चलते हम जस्ट जा रहे हैं, उससे हैंडशेक कर रहे हैं, उसके मुंह से निकला, उसने कहा कि आपने सुंदरराजन को अप्रोच किया, वो आपका बहुत बड़ा फैन था। तो मुझे याद आया, हाँ इस नाम के भी एक शख्स थे जो इतने बड़े नहीं लेकिन अच्छे खासे लीडर वो भी थे, यार उन्हें ढूंढते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास में। कोई बात नहीं, मैं मेरी पुरानी कंपनी फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ मुझे सुंदरराजन जी का नंबर दे दीजिए। बोला कौन बोल रहे हैं, मैंने जो भी मन में नाम आया वो बोल दिया। तो वहाँ से मुझे उसका नंबर मिलता है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा आई वॉन्ट टू कम एंड मीट यू। वो बोलता बट आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। आई सेड व्हाई? बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग को आई हैव डन नमस्ते, पीपल डू नमस्ते फ्रॉम हेयर, आई डू नमस्ते टू नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम माई एल्बोज, और ज़िंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग इस बिज़नेस की है वो उससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, एक बार आप देख लो समझ लो, अच्छा लगे करना, नहीं अच्छा लगे मत करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उसने मेरे को क्लियरली बोला देखो जी जिस रास्ते जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आप आओगे मुझे प्लान दिखाओगे, फिर आप बार बार मुझे फ़ोन करोगे, फॉलोअप करोगे, मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ वो मेरे कल्चर में नहीं है, और मैं बार बार परेशान होऊंगा तो मुझे करना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी ज़िंदगी में फॉलोअप के लिए एक भी कॉल नहीं करूँगा, बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आधे पौने घंटे के लिए। उसने लगातार वो मना करता रहा, महीना भर और बीत जाता है, अब 8 महीने हो गए, सेल्फ टॉक क्या है, मुझे वहाँ घुसना है, मुझे वहाँ किंग बनना है। फिर मैंने उसे एक दिन फ़ोन किया, वो पता नहीं किस मूड में था, उसके वर्ड्स ये थे अगर आपको अपने पैसे खराब करने हैं, समय खराब करने हैं तो आप आ सकते हो, लेकिन मैं करूँगा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मत करना। मैंने फ़्लाइट पकड़ी, मैं दिल्ली से चेन्नई चला गया, उनके ऑफिस के पास में मैं होटल लेता हूँ, लंच ब्रेक में वो आते हैं मेरे पास में, मैंने उनको प्लान दिखाया। 2 दिन पहले क्या होता है, मेरा एक दोस्त है उसने मेरे को पेन ड्राइव गिफ्ट करी थी, तो मेरे दिमाग में बात आती है कि भाई इसको इस पेन ड्राइव में डाल के ना प्लान दे दे, कुछ देखना होगा तो देख लेगा, फॉलोअप का तो चांस है नहीं तेरे पास। तो मैंने उसको प्लान पेन ड्राइव में डाला और दे दिया, एक एक कॉफ़ी पी, प्लान दिखाया, वो अपने ऑफिस चला गया, मैं तो वहाँ जानता ही किसी को नहीं था। शाम को अपना अकेला घूमा फिरा, अगले दिन दिल्ली आ गया, मैंने अपना कर्म कर दिया, इससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं अपने भूल गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। 2 दिन बाद मैं ऑफिस में प्लान दिखा रहा हूँ, मेरा फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड में पड़ा हुआ है, घुर घुर करने लगा, जा करके देखा तो सुंदरराजन का फ़ोन था। मैंने बोला मैं अभी आता हूँ, बाहर जाके फ़ोन उठाया, अब वो मेरी हेलो सुनते ही कह रहा है कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रैवल फंड कम्स। उसको मैंने बताया फ़ोन पे जितना बता सकता था, फिर मैं वापस आया, प्लान दिखाने लग गया, फिर आधा घंटा हुआ होगा, फिर फ़ोन जेब में घुर 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 करने लगा, निकाल के देखा, फिर से सुंदरराजन। मैंने कहा मैं अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ। मैंने कहा यस अन्ना टेल मी ट्रेवल फंड आई अंडरस्टूड बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द कार फंड, कैन यू टेल मी हाउ कार फंड कम सर। सो मैंने उसको कार फंड बताया फ़ोन पे जो बता सकता था, फिर आके मीटिंग करने लगा, फिर फ़ोन आता है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर बोनस। सो उसको डायरेक्टर बोनस बताया। अगले दिन सुबह मैं रात को लेट हो गया था सोने में, तो 6 बजे होंगे। सो फिर से फ़ोन बजता है, मैं आधी नींद में बड़ी मुश्किल से आँख खोली, देखा उसका फ़ोन है। बोला ये सर ना टेल मी, बोला आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लीडरशिप बोनस, द पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर 2 ईयर दे डोंट अंडरस्टैंड द लीडरशिप बोनस, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द लीडरशिप बोनस। मैंने कहा यू वेट आई विल कम अगेन, वेट आई विल अगेन कम टू चेन्नई। सो मैंने वाली साहब को ये बात बोली, उन्होंने कहा चल यार दोनों चलते हैं। मैंने कहा ठीक है सर चलो। सो अब हम 2 आदमी जाते हैं एक आदमी का फॉलोअप करने के लिए, तो जो उसके डाउट वाउट थे वो दूर वूर कर दिए उसने। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं ज्वाइन करता हूँ। अब वो ज्वाइन करते हुए कह रहा है जी मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा यार ये तो किसी को भी नहीं पता होता, तुम तो ईमानदार आदमी हो, मैंने तो बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो ज्वाइन करते समय कहेंगे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, वो करते कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने कहा देखे यार अभी तो मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, अब मैं आऊँगा सैटरडे संडे, आपने बोला जी आपके ऑफिस की छुट्टी होती है। बोला हाँ। मैंने कहा अन्ना एक काम करना है, तुम मंडे की और छुट्टी ले लेना, तुम हमें 3 दिन मिल जाएंगे काम करने के लिए, सैटरडे संडे आपके ऑफिस की छुट्टी है, मंडे आपने छुट्टी ले ली तो 3 दिन मैं आपके साथ काम करूँगा। बोला ठीक है। सैटरडे सुबह मैं पहुँच गया उसके पास में, सुबह वो आया अपने एक एक दो दो लोगों को लेकर के। 2 दिन में सैटरडे संडे में कोई 10 8 10 प्लान करे होंगे, 2 3 4 लोगों की टीम टाम बनी होगी,
मंडे को मेरी रात उस समय की लास्ट फ्लाइट 8 बजे जाती थी, तो सुबह सुबह वो आया, थोड़ा डिप्रेस से थे, तो 7:30 बज रहे होंगे करीब, तो बोले टुडे नो मीटिंग है। मैंने बहुत कोशिश करी रखने की, लेकिन कोई भी आज मिला नहीं, सब लोग बिजी हैं। और उसके बाद उसने बोला, देखो मैं समझता हूँ, यू हैव कम सो फार, आप इतनी दूर से आए हो, पैसा खर्च कर रहे हो, टाइम खर्च कर रहे हो, लेकिन मैंने कोशिश बहुत करी लेकिन आज कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आप बैठो सोचते हैं क्या करना है। आई सेड नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, कॉफी पीते सोचते हैं क्या करना है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है भाई क्या करें। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इन प्रीवियस कंपनी हाउ मच वॉज योर हाईएस्ट मंथली बिजनेस। वो बोला 80 लाख। मैंने कहा गुड। तो मैंने कहा वेयर वॉज योर बिगेस्ट टीम। तो बोला पौंडीचेरी। तो मैंने कहा हाउ फार। बोला 3 आवर्स वन वे। मैंने कैलकुलेट किया, 3 घंटा आना 3 घंटा जाना, 6 घंटे, 12 घंटे हैं अभी फ्लाइट पकड़ने में। तो मैंने कहा चल, मैंने कहा उसको बोला, मैंने कहा ओके लेट्स गो देयर। बोला ना 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 नो 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 पौंडीचेरी। मैंने क्या हुआ, विदक क्यों गया था पौंडीचेरी के नाम पे। बोला पौंडीचेरी नेटवर्क मार्केटिंग इल्ल मीन्स फिनिश। बोला पौंडीचेरी नेटवर्क मार्केटिंग इल्ल। मैंने कहा वाई वाई इल्ल वाई। बोला यू सी सर माई लीडर ओवर देयर वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी लेकिन उसे कोई पैसा वैसा नहीं आया, उसके ऊपर कर्जा हो गया, उसके इन लॉज ने फिर पैसे उसका कर्जा निपटाया, उसको पैसे दिए, वो दुबई गया, वहां से पैसे कमा के आया है और अब अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है। तो वहां तो नेटवर्क मार्केटिंग समाप्त हो चुकी है, इल्ल है। वहां नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करेंगे तो गाली पड़नी तो तय है, 100% तय है, और मार भी पड़ सकती है, भैया वहां तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख अन्ना, तू ऑफिस से छुट्टी ले चुका, तू भी कहीं नहीं जा सकता, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ तेरे अलावा किसी को। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया, मैंने कहा एक काम कर चलते हैं, तो मुझे इंट्रोड्यूस कर दियो, दरवाजे के पास तैयार रहियो भागने के लिए, कोई दिक्कत हो बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दे। तो बड़ी मुश्किल से खैर वो तैयार वैयार हुआ। मई जून का महीना, टिपिकल सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी। अब हम उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं। अब वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी तरह नेगेटिव। अब वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपनी कुर्सी पे, कुर्सी मैंने क्यों मंगवाई है मैं आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज समझाने के लिए बनवाई है। सामने टेबल पड़ी थी, मई जून में उसने गर्म पानी हमारे सामने रख दिया, ठंडा पानी तक नहीं दिया, वो इतना उदास हो चुका था भैया, वो इतना नेगेटिव था इस बिजनेस से। उसके बाद में वो कुर्सी पे बैठा नहीं हुआ था, लेटा हुआ था ऐसे करके, ऐसे ये आँख बंद करके पैर हिला रहा था और बोला हाँ जी बोलो टेल मी। अब आप ऐसे आदमी को क्या टेल करोगे यार, पिया पानी वानी। उसके बाद मैंने कहा, मैंने एक फाइल बना रखी थी कि जिसमें जो ना पहले महीने से लेकर के मेरा तब तक का चेक था, तो तब तक मेरा चेक लगभग 4.5 लाख रुपए हो चुका था। तो मैंने कहा यू सी आई स्टार्टेड दिस बिजनेस बाय बाइंग ओनली प्रोडक्ट ऑफ 600 रुपीज, एंड फर्स्ट मंथ माई चेक वॉज 57,000 रुपीज, देन 86,000 रुपीज, 1,25,000, देन 2,07,000 सिक्स मंथ, 2 लाख के ऊपर उसकी थोड़ी टांग हिलनी कम हुई। ऐसे 10th month इट क्रॉस 3 लाख, नाउ इट इज 4.5 लाख, 4 लाख उसने जैसे कहा उसकी वो थोड़ी बहुत उसकी हाथ खुल गए ऐसे हुआ। फिर मैंने उसको दिखाया, सी 11th month आई बॉट अ मर्सिडीज बेंज आउट ऑफ दिस बिजनेस। जैसे ही उसने मर्सिडीज बेंज सुना वो कुर्सी से ऐसे आगे आ गया, बोला टेल मी। अब उसकी टांग भी नीचे आ गई, बॉडी भी आगे हो गई, और वो ऐसे करके बैठा, हाँ हाँ बताओ बोलो टेल। और मैंने उसको प्लान दिखाया, आधा घंटा करीब वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने फॉर्म मांगा, वो फॉर्म फिल करने लगा, अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई, ना नोंगले मैगी हमने सिकरना। यानी कि मैं उस समय नहीं समझा था, बट मैं समझ गया था, मतलब एग्जैक्टली क्या कह रही नहीं समझा, बट मैं ये तो समझ ही गया था ये क्या कह रही होगी। मैंने कहा बेटा ये कह रही होगी एक बार करके तेरा पेट नहीं भरा जो तू दोबारा करने चल दिया, पिछली बार तो मेरे घर वालों ने तुझे कर्जे से निकाल दिया था, इस बार तो वो भी नहीं निकालेंगे, तो खबरदार तूने ये बिजनेस करा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप अपनी वाइफ, कैन यू कॉल योर वाइफ आउटसाइड। वो आई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी देखो आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, बट आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा पहले, तो आप अगर सड़क पर चल रहे हो आपको ठोकर लग जाए आप चलना बंद कर दोगे या संभल के चलोगे। तो उसने मुझे जवाब दिया, जी संभल के चलेंगे, चलना कैसे बंद कर सकते हैं। तो मैंने कहा सेम वे, आपने एक कंपनी करी आप सफल नहीं हुए तो आप दोबारा थोड़ी ऐसे ही होगा, आप संभल के करो। सो उसको मेरी थोड़ी बहुत बात समझ में आई। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो जी आप कितने कामयाब होगे नहीं होगे, मैं अंतर्यामिया भगवान तो हूं नहीं तो वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं, इस बिजनेस के लिए आपको किसी से पैसे नहीं लेने, किसी के पैसे नहीं लगवाने, तो कोई आपको दोष नहीं दे सकता। अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो गए, आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आप चिंता मत करो।
तो पता नहीं कहाँ से भगवान की मर्जी थी, वो मेरी बात समझ में आ गई। अब उनके साथ में मैं, राजन और वो शख्स फारूक, हमने पूरा तमिलनाडु छानना शुरू कर दिया गाड़ी के ऊपर में। एक भी आदमी मिलता था 200 किलोमीटर दूर, मैंने कहा चल चल बेटा चल 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 चल। ऐसे करके मैंने उनके साथ एक एक हफ्ता 10-10 दिन ट्रैवल किया, काम करना शुरू किया। शुरू के एक साल स्ट्रगल रहा, तो रात भर काम करके अगर टीवी खोलता था मैं, तो टीवी खोलने का भी मेरा कोई फायदा नहीं था क्योंकि सारे चैनल साउथ के आते थे, मुझे तो लैंग्वेज आती नहीं। तो मेरे लिए तो कोई, मैं तो यही कोशिश करता था रात 10 बजे तक भी तो मीटिंग ही रखता रहा बस, कहीं ना कहीं। नहीं तो होटल में जाके तुम तो आप टीवी टावी देख लेते हो, आपस में बात कर लेते हो, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी हालत तो ऐसी होती थी। बट जो इस तरीके से काम किया उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद रिजल्ट ये हुआ 3.5 साल पार्ट टाइम काम करने के बाद सुंदर राजन का चेक आया 6.5 लाख रुपये पार्ट टाइम। उन्होंने अपने ऑफिस से VRS ले लिया, वो फुल टाइम हो गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सक्सेस मिली, आज उनका 18 लाख रुपए के आसपास का महीने का पे आउट है, राइट। अभी जब हम फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वहां से 400-400 लोग 300-300 लोग आते हैं, इतने सारे लोग वहां सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड थोड़े टाइम पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, मैं इटली में था, एक दिन उसका फोन आया, तो उसे पता नहीं था मैं इटली में हूँ। इंडिया में 10-11 बज रहे थे बट मेरे वहाँ पे 6 बज रहे थे, तो मैं तो सो रहा था। तो उसने कहा कि मुझे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डॉक्टर की वो दे रहे हैं कि मैंने तमिल लोगों को रोजगार देने में या डेवलपमेंट देने में इतना काम किया, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट इज ऑनरिंग मी विद अ डॉक्टरेट डिग्री। अब आप देखो, मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन ये सब क्यों हो पाया? यस, सेल्फ टॉक, राइट। अब आप अपनी सेल्फ टॉक एनालाइज करो, दिन भर में आप अपने से क्या बातें करते हो। अगर उसको दो खाने में डालें, एक है पॉजिटिव खाना, एक है नेगेटिव खाना, तो पॉजिटिव खाने में कितनी बातें जाएंगी और नेगेटिव खाने में कितनी बातें जाएंगी। अगर आपको सुपर जीवन चाहिए तो आपको अपने से एक ही काम करना है, सुपर सेल्फ टॉक करनी है। आपकी जैसी सेल्फ टॉक होगी वैसा आपके जीवन की क्वालिटी होने वाली है, दैट्स इट। साधारण लोग साधारण क्यों हैं? उनकी सेल्फ टॉक। मॉल में गए, कोई बहुत अच्छी चीज, कोई वॉच है, वॉच लगी हुई है, उस पर टैग लगा हुआ है 2 लाख रुपए, सेल्फ टॉक, मेरे लिए नहीं है, मुंह फेर लिया, ये उनकी सेल्फ टॉक है, राइट। अमेजिंग होटल्स हैं दुनिया में, किसी का रेंट 5 लाख रुपए पर नाइट है, 10 लाख रुपए पर नाइट है, एवरेज आदमी देख के पागल है, 5 लाख रुपए कौन खर्चता है। सेल्फ टॉक, पुअर सेल्फ टॉक विल ऑलवेज मेक यू पुअर, रिच सेल्फ टॉक विल मेक यू रिच, राइट। एवरेज सेल्फ टॉक अगर रहेगी तो आप हमेशा एवरेज रहोगे, आपको सुपर सेल्फ टॉक करनी है एंड देन आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड, राइट। मुझसे इंस्टाग्राम में सवाल पूछा कि जब आपका 1 करोड़ रुपए का चेक आया तो आपको कैसा लगा? मैंने कहा यार सच बताऊ ना तो मुझे बहुत ज्यादा, मैं सरप्राइज नहीं हुआ और बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था मैं इन्हीं चीजों के लिए बनाऊं। मैं 5 साल से सेल्फ टॉक कर रहा था अपनी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेल्फ टॉक, सारा का सारा जो गेम है वो सेल्फ टॉक का है। समझ आया आपको सेल्फ टॉक कितनी इंपॉर्टेंट है? आज के बाद आपकी सेल्फ टॉक कैसी होगी? यस, क्वालिटी सेल्फ टॉक, द रिच सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक कैसी होनी चाहिए बताता हूं आपको। सेल्फ टॉक शुड ऑलवेज बी सुपर पॉजिटिव। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम चैंपियन, राइट। एग्जांपल, आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर 1, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, I am tough. If life is tough, I am tougher. So I am tough. I am a commando. Commando की क्या विशेषता होती है? Commando की विशेषता ये होती है कि उनकी कोई limitation नहीं होती। जो commando की training होती है, जो उनकी वो इतनी tough training होती है, उसमें दो दो तीन 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 दिन तक उनको सोने नहीं दिया जाता, खाना नहीं दिया जाता, और उनसे टास्क पे टास्क करवाते रहते हैं। फिजिकल और मेंटल की हाइट होती है तोड़ने की, जो उस टेस्ट को पास करता है वो कमांडो होता है, यानी वो किसी भी सिचुएशन में टूट नहीं सकता। कमांडो का मतलब ये होता है कि वो कितने कम से कम समय में सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनकी डिक्शनरी में नो है ही नहीं, दे कैन डू एनीथिंग, दे आर सुपर ह्यूमन बींग्स। सो आई एम कमांडो, मैं सफलता के लिए बना हूं,
मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। सो ये कुछ मेरी सेल्फ टॉक हैं जो मैंने बनाई अपने लिए और जिनको मैं सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीट शॉर्ट टर्म सक्सेस एज योर मोटिवेशन। शॉर्ट टर्म सक्सेस क्या होती है? देखिए, इस जर्नी में अब जब आपका 50,000 रुपए का चेक आएगा, 1,00,000 रुपए का चेक आएगा, 2,00,000 रुपए का भी चेक आएगा, 2,50,000 रुपए का भी चेक आएगा, उसको एंजॉय करना, खुश होना, लेकिन वहां रुक मत जाना, क्योंकि वो आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल बहुत आगे है। हम जब तक प्रोग्रेसिव होते हैं तभी मजा है। अगर मेरे से फ्रैंकली कोई पूछे मेरे बेस्ट डेज कौन से होते हैं, तो मुझे लगता है जिन दिनों में जिस दिन में काम करता हूं, जैसे आज पूरा दिन मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, ये मेरा बेस्ट डे ऑफ लाइफ है, राइट? सो वो मैं सबसे ज्यादा उसको एंजॉय करता हूं। सो ट्रीट शॉर्ट टर्म सक्सेस, जब शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलेगी, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2,00,000, 2.5 लाख, 3,00,000, 4,00,000 का चेक आएगा, खुश होकर काम करना बंद मत कर देना, उससे इंस्पायर होना और ज्यादा मेहनत करना और तरक्की करना और आगे जाना। एंड ट्रीट शॉर्ट टर्म फेलियर एज मैच्योरिटी गेन। छोटे समय में जब आपको सफलता ना मिले तो उससे हताश नहीं होना, उससे परेशान नहीं होना, उसे ट्रीट करना मैच्योरिटी गेन। मैच्योरिटी गेन मतलब उससे क्या सीख मिली, वो सीखो और आगे बढ़ो। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन। नाउ ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो होती है पिक्चर। जैसे अगर मैं इस समय आपको बोलूं ग्रीन एप्पल, आपके माइंड ने पिक्चर बनाया ग्रीन एप्पल का, दैट्स व्हाट द ब्रेन इज, ओके? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या कभी आप मूवी देखते हुए, कॉमेडी मूवी देखते हुए हंसी आती है? कोई इमोशनल सीन में रोना आता है? भूतिया फिल्म में डर लगता है? या क्यों? आपको नहीं पता, कई बार क्या होता है, हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर है, से लड़की है, वो जा रही है, पीछे से किलर आ रहा, हम क्या कहते हैं, पीछे देख, है ना, हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस समय। कैसे देखे यार, डायरेक्टर ने बोला नहीं है ना उसको देखने के लिए। हमें पता होता है नाटक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम उसमें इतने डूब जाते हैं। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, बिकॉज हमारा माइंड जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता क्या काल्पनिक है और क्या रियलिटी है। और जिस भी चीज को आप बार बार देखोगे, बार बार महसूस करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इसको रियलिटी बनाने में लग जाता है, एंड इट विल बिकम योर रियलिटी। सो कीप ऑन थिंकिंग, लगातार सोचते रहिए, इमेजिन करते रहिए, किसके बारे में, सफलता के बारे में, एंड डेफिनेटली इट विल बिकम योर रियलिटी, और फिर ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। सिंपल।